चार बीवियां हो और बंदा कोई काम ना भी करता हो, फिर भी ऐसे लगता है बहुत काम करता है। हमारे ख्याल में चार बीवियां हों तो फैसला करने में बड़ी मुश्किल होती है। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, चार बीवियां साथ हैं और शेर आ जाता है, तो फैसला करना मुश्किल होता है कि किसको बचाएं। आखिर में थक हार कर शेर को ही बचाना पड़ता है। चीनी और जापानी तो चार शादियां करते ही नहीं, क्योंकि वो एक ही सी शक्लें होती हैं। कर भी लें तो यही लगता है पहली वाली से दोबारा कर ली। कुछ ममालक में तो चार शादियां करने पर सजा भी मिलती है। हमारे यहाँ चार बीवियां रखने की सजा है चार सांसें। वैसे अजीब बात है, जिन ममालक में चार बीवियों की इजाज़त नहीं, सारे वो ममालक हैं जो सख्त सजाओं के ख़िलाफ़ हैं। लोग चार बीवियों वाले मर्दों को हैरानगी से देखते हैं, हालांकि हैरानगी से उनकी बीवियों को देखना चाहिए जो सिर्फ एक चौथाई खामन पर गुजारा कर रही होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो औरतें अपने से बड़ी उम्र के मर्द से शादी करती हैं ज़्यादा लंबी उम्र पाती हैं, और जो अपने से कम उम्र मर्द से शादी करती हैं वो जल्दी मर जाती हैं। वजह मालूम नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी मर जाती हैं कि वजह बता ही नहीं पाती। एक रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा मर्द बीवियों से पहले मर जाते हैं। क्यों? उनकी मर्ज़ी, वो यही चाहते होंगे। ये रिसर्च भी है कि चार बीवियों वाले मर्द देर से मरते हैं, शायद इसलिए कि वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं कि मरना किसकी वजह से है। हमने मौलवी खादम से कहा, एक शादी वाले तो लव मैरिज करते हैं। बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ मैरिज ही लव मैरिज या अरेंज मैरिज होती है। वाइफ तो कोई लव वाइफ और अरेंज वाइफ नहीं होती, वो बस वाइफ होती है। बोला, चार बीवियां हों और बंदा कोई काम ना भी करता हो, फिर भी ऐसे लगता है बहुत काम करता है।